सीरियल गोमे किसी के प्यार में चला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां परेशान लेकर आएगा सभी की बेगुनाही का सबूत कोर्ट में। दरअसल आने वाले एपिसोड में सभी के खिलाफ हरिणी के ससुराल वालों ने कंप्लेन कर दी और उस पर लगा दिया है खून का इल्जाम। देखने को मिलता है कि सभी पर एक उल्टा इल्जाम लग चुका है, तो दूसरी तरफ सभी बार बार समझाने की कोशिश करेगी पुलिस वालों को कि उसने अपनी बचाव के लिए ये सब कुछ किया है और उसकी ये सिर्फ एक हादसा था। देखने को मिलता है कि लेकिन सभी की कोई नहीं सुनता और हरिणी के घर वालों ने उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके चलते उसका करियर, उसकी एजुकेशन सब दांव पर लग चुकी है। शांतनु, ईशा और हरिणी सभी लोग ईशान के सामने हाथ जोड़ते नजर आएंगे, वो कैसे भी सभी को बचाएं। देखने को मिलता है कि इतना यकीन तो ईशान को भी हो जाएगा कि सभी कभी भी किसी का खून नहीं कर सकती है और इसीलिए उसे बचाने के लिए लग जाएगा। देखने को मिलता है कि कोई और नहीं, अब ईशान ही होगा जो सभी की बेगुनाही का सबूत लेकर पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि ईशान ही अब सभी की बेगुनाही का सबूत लेकर आएगा कोर्ट में, जहां पर अब सभी के खिलाफ कंप्लेन हो चुकी है और वकील उसे सजा दिलवाने के लिए जुड़ चुके हैं। और हरिणी का परिवार यही चाहता है कि सभी को कड़ी से कड़ी सजा हो उनके बेटे के खून के इल्जाम में। देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बड़ी मुसीबत सभी पर आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ईशान यहाँ पर सभी को बचाने के लिए उसके लिए जो भी सबूत बन पाएंगे सारे सबूत इकट्ठा करेगा सभी को बचाने के लिए। तो देखने को मिलने वाला है कोर्ट में काफी कुछ ड्रामा।